वैसे तो एमपी का सिंगरौली जिला देश भर में ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है। कोल इंडिया की अनुसंगी कंपनी एनसीएल की 12 खदानें यहाँ पर संचालित हैं। साथ ही साथ कई पावर क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियां भी स्थापित हैं। लेकिन सिंगरौली की जमीनी हकीकत कुछ और है। कोयले के प्रदूषण से जनता पूरी तरह त्रस्त है। दोपहर में भी छोटे वाहनों को हेडलाइट जलाकर यात्रा करनी पड़ती है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो वह कोयला खाने और कोयला पीने को मजबूर है। ऊर्जा नगरी कहे जाने वाली सिंगरौली में कोयले के प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ लोगों को सड़कों पर यात्रा करना भी जानलेवा साबित होने लगा है। कोयले का परिवहन करने वाले बड़े वाहनों से हो रहे प्रदूषण से सड़कों के किनारे घरों में रह रहे लोगों के खाना से लेकर पानी तक के कोयले की धूल मिल जा रही है, जिससे आए दिन बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सुबह जब सोकर उठते हैं तो आंख, कान और नाक में कोयले का धूल भरा होता है, और कोयले की धूल से भरा पानी पीने को भी हम मजबूर हैं। अपना दर्द बयां करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों की जिंदगी इसी कोयले में गुजर रही है और धूल से इतनी परेशानी है कि लगता है जान जोखिम में चल रही है। अब ऐसे में जनता पूरी तरह से बेहाल है। एक ओर दीपावली के त्योहार पर जिला प्रशासन सिंगरौली ने पटाखा से हो रहे प्रदूषण पर प्रतिबंध लगा दिया है, दूसरी ओर कोयले के परिवहन से हो रहे प्रदूषण से आम जनता बेहाल है, या यूं कहें कि कोयला खाने और पीने को मजबूर है। ऐसे में प्रशासन इस प्रदूषण पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिला प्रशासन को इस कोयले के प्रदूषण के रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए, एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए कोल परिवहन करवाना चाहिए, वह पटाखों के प्रदूषण रोकने में लगी है। कोयला के सड़क परिवहन होने से बढ़ रहे प्रदूषण की शिकायत पर एनजीटी ने कोल इंडिया की कंपनी एनसीएल को निर्देश दिए थे कि कोल परिवहन के लिए अलग से कॉरिडोर रोड का निर्माण कर कोल परिवहन कराएं, ताकि आम जनता को हो रही समस्याओं से छुटकारा मिले। कई वर्षों से लगातार एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़क मार्ग से ही कोयले का परिवहन किया जा रहा है, जो आम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्य सड़क मार्ग से कोल परिवहन होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर दिन किसी ना किसी घर का चिराग बुझा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्य सड़क मार्ग से कोल परिवहन होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर दिन किसी ना किसी घर का चिराग बुझ जा रहा है। समस्या का पूरा धूल देख रहे, घर के अंदर घुस रहा है, आदमी सोता है फिर भी नाक कान में हर एक चीज घुस रहा है। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पानी सिंचाई नहीं हो रहा है। प्रदूषण का नुकसान है, हमें चेहरा हम लोग का काला काला हो गया पूरा। कोयला खाते हैं, कोयला पानी पीते हैं, कोयला हम भाई वही अब यही है, रोड में देख ही रहे हैं कोयला। अब ना अभी नहाए हैं, कोई कहेगा कि नहाए हैं, लगता है कि साल भर नहीं नहाए। ठीक है ना, कोयले में हमारे अभी हाथ धो के जाएंगे, लगता है कि हाथ नहीं धोए हैं साल भर। ठीक है, कोयले उठ बिहान है, कोयले है।